और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो छेली जाएगी। और पता है हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा। तो इंडिया आप जय शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बजेगा ना। जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन कहना बिल्कुल ये तो क्लॉज के अंदर है, ये तो ला कहता है कि अगर आपकी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं जा सकते थे। तो फिर तो बीसीसीआई के सरबराह जय शाह साहब के लिए तमाम राहें हमवार हो चुकी हैं कि वो अब आईसीसी के चेयरमैन यानी आईसीसी के सरबराह बन सकते हैं। खास है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है फेब 2025 में। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है? अब तो पाकिस्तान तो गया, अब तो गया ठाकुर पाकिस्तान। मुझे लगता है माइंड जो है वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लोगों का थोड़ा सा, ये कि एक चैंपियंस ट्रॉफी की जो हाइप क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में, स्पेशली जिस तरह से रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है और बहुत खूबसूरत स्टेडियम जो हैं जिनका हमने मॉडल देखा बहुत खूबसूरत बनाए जा रहे हैं, तो उसमें इंडियन मीडिया को भारत का बैन अल-अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल। पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है? बिल्कुल खतरे की बात है, जितने छोटे मुल्क है उनके लिए खतरे की बात है। आईसीसी के चेयरमैन ग्रीग बार्कले नवंबर में ओहदे से अलग हो जाएंगे। भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा, ग्रीग बार्कले को भारतीय जय शाह ने ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया। जय शाह आईसीसी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। जय शाह सदर बन गए तो आईसीसी का ऑफिस दुबई से भारत ले जाएंगे। जय शाह सदर बने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं। हिंदुस्तान में कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम मुद्दे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है। कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, ये इसमें पाकिस्तानी लोग क्यों रो रहे हैं, पाकिस्तानियों को मिर्ची क्यों लग रही है कल से? और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो छेली जाएगी। और पता है हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा। तो इंडिया आप जय शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बजेगा ना। ऑब्वियसली जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, जय शाह ने जिस तरह बोल दिया है कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इन सब बोर्ड्स की हमायत हासिल है और मैं चेयरमैन बनने के लिए रेडी हूं। अब जब इस तरह के बोर्ड उनके साथ है और पाकिस्तानी चेयरमैन खुद कह रहा है कि भाई स्टेडियम नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई इंटरनेशनल वाला स्ट्रक्चर नहीं है, तो मतलब वो बंदा भी हार मान गया है। जब जय शाह चेयरमैन बन गया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड कह रहा है कि हम जय शाह के साथ हैं, तो इन सबको जब इज इक्वल टू करेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो जाएगी। तो पाकिस्तानी लोग कह रहे थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें इंडिया क्या करेगा। पुत्र तो देख लो फिर, तो देख लो फिर इंडिया क्या कर रहा है, देख लो फिर इंडिया क्या कर रहा है। पुत्र वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के, अगली गेम आप सबको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पाकिस्तानी रो रहे हो ना बैठ के, अब आपको रोना नहीं चाहिए, अब आपको जो है वो दृढ़ से रोना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच रहा हूं ना मैं और जो आप सोच रहे हो बेटा वो होने जा रहा है। ट्रॉफी क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी, बहुत बड़ा सेपा बन चुका है। क्यों? जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन कहना बिल्कुल ये तो क्लॉज के अंदर है, ये तो ला कहता है कि अगर आपकी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं जा सकते थे, तो फिर हम जैसे कहते हैं ना आपका हाइपोटेक करवा देते हैं। जय शाह तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो, और वो मानेंगे भी बात। अगर यही कोई और बनता होता उसमें समझाने में बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह होंगे वो तो इस चीज से डिनाई करने नहीं देंगे। तो जो भी है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जय शाह ने गेम चलाई थी कि किस टाइम के ऊपर जाके वो चेयरमैन बन जाएगा, जब पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट होना है और इंडिया का आना उसके अंदर बड़ा जरूरी है। तो 3 साल के लिए चेयरमैन बनने जा रहे हैं, अब मोहसिन नकवी साहब इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि वो तो खुद एसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो वो भी बन जाएंगे यहाँ से, ये भी बन जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। चैंपियंस ट्रॉफी जो चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख है वो तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इंडियन मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि तारीखों में जो है वो तब्दीली हो रही है और पीसीबी का ही कहना है कि तारीख तब्दील नहीं होगी। वजह क्या समझते हैं कि इंडियन मीडिया क्यों चाहता है कि तारीख में तब्दीली हो? मुझे लगता है माइंड जो है वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लोगों का थोड़ा सा, ये कि एक चैंपियंस ट्रॉफी की जो हाइप क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में, स्पेशली जिस तरह से रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है और बहुत खूबसूरत स्टेडियम जो हैं जिनका हमने मॉडल देखा बहुत खूबसूरत बनाए जा रहे हैं, तो उसमें इंडियन मीडिया को असल में हजम नहीं हो रहा है कि अभी तक पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें पाकिस्तान में ही करनी है, हम हाइब्रिड पर नहीं जाएंगे। तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और करते रहेंगे। सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो आपके क्रिकेटर्स
इंटरेस्ट हुए हैं, बाकी जो आपकी ब्रिज की टीम आती है, कबड्डी की टीम आती है, और वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो हो सके। हालांकि अंदर से चाहते हैं, अंदर से सब चाहते हैं, क्योंकि जो पैसा जनरेट होता है ना पाकिस्तान इंडिया का, वो किसी और मैच में। ये जो इंडिया का जो मीडिया है, ये क्यों बीसीसीआई की, आपको क्या लगता है प्रॉक्सी वॉर हो रही है कि जो बीसीसीआई के लिए लॉबिंग कर रहा है इंडियन मीडिया? ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल, और उसके बाद फाइनेंशियल इशू पे तो हमने बात की, और क्या मसाइल पेश आएंगे पाकिस्तान के लिए, खतरे की बात है। बिल्कुल खतरे की बात है, जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है, पहले से था। अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं, और जय शाह अब अगर आईसीसी के बिल्कुल चेयरमैन बनेंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है, और 27 अगस्त तक बोर्ड ने अपने नॉमिनीज भी देने होंगे कि ये चेयरमैन के लिए लड़ेंगे। लग रहा है कि बिला मुकाबले ही वो मुंतखब हो जाएंगे जय शाह, और उसके बाद उनका पहला अमल, दो तीन अमल में से जो पहला स्टेप होगा, एक तो वो ये होगा कि वो आईसीसी का सदर जो है वो इंडिया में ले जाएंगे। हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इसलिए साथ देंगे भारत का कि उनके टीवी राइट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, दोनों के बिलियन, ऑस्ट्रेलिया का 1.5 बिलियन डॉलर्स का टीवी राइट्स है 4 या 5 साल का, इंग्लैंड का भी 1.5 बिलियन को टच करता है पाउंड्स में, जो 5 साल के उनके टेलीविजन राइट्स हैं। हम तो टेलीविजन राइट्स बेचने में भी हमें बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, मार्केट भी जाहिर है स्लो है हमारी, लो है, और उसके साथ हमारी टीम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हमें टेलीविजन राइट्स की मद में भी पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर हमें 34 मिलियन डॉलर्स की रकम आधी हो गई तो उसमें फिर हमें मजीद स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन जा रही है, ये तो दोबारा से वो बिग थ्री की तरफ जा रही है। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल, और उसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई, एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। ये बिल्कुल, ये बहुत अहम खबर है। भारत का बड़े अच्छे से ही आईसीसी पे कब्जा हो चुका है, उसमें तकरीबन 40% जो है वो हिंदुस्तान के पास चला जाता है, और उनकी दलील यही है कि चूंकि पैसा यहाँ से ज्यादा निकलता है, जनरेट होता है, इंडिया में बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्ट है क्रिकेट को हासिल, तो इसलिए उनका हक ज्यादा बनता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि दूसरे मेम्बरान, और खासतौर से जो अहम मेम्बरान है, यदि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो भी उनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि इस तरह इस बंदर बांध में उनको दूसरे मुल्कों की नस्बत बेहतर साबित जाता है। अब रह गई इस पे कब्जा करने की बात, तो वो कब्जा तो काफी देर से ये चीजें सुनने में आ रही थी, लेकिन ख्याल ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो बड़ी आसानी से ये चीज नहीं मानेंगे, लेकिन तो महसूस होता है कि वो सब तैयार हो चुके हैं। गालबन उनको कोई लॉलीपॉप जरूर दिया गया होगा कि आपको भी इसमें से ये हिस्सा मिलेगा, तो वो कब्जा कर रहे। और अगर फर्ज कीजिए हिंदुस्तानी कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम मौके पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है। जो ये जो ब्रॉडकास्टर आईसीसी को मिलने, ब्रॉडकास्टर से आईसीसी को मिलने वाली जो 3 बिलियन डॉलर के नशरियाती हुकूक थे, उसको भी आधा करने की बात हो रही है, तो फिर तो इससे जो पाकिस्तान को 34 मिलियन मिलते थे उसका भी फर्क पड़ेगा, जो छोटे बोर्ड्स हैं वो तो और बड़ी परेशानी में चले जाएंगे। जी बिल्कुल, बात यह है कि छोटे मुल्कों का तो बहुत ही कोई हाल नहीं है, ये बड़ी एक लंबा फिक्रिया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी अगर छोटे मुल्क कुछ ख्याल करें, क्योंकि वोट तो सबका बराबर है, अगर छोटे मुल्क ख्याल करें, वो सारे इकट्ठे हो जाए, और कोई इतने छोटे मुल्क भी नहीं है, पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, जनूबी अफ्रीका छोटा मुल्क नहीं है, न्यूजीलैंड मुल्क छोटा है, लेकिन बहुत पुराना यानी जो आईसीसी का मेंबर है, पाकिस्तान से भी पहले का मेंबर, तो अगर ये लोग अपने हकूक के लिए मुत्तफिक नहीं हो सकते, मुत्तहिद नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर इनके साथ वही होगा जो कि इस वक्त ये ऑस्ट्रेलियन अखबार बता रहा है। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जैसा बनेंगे आईसीसी के हेड, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ऐसी बोल रही है जैसा सबसे आगे चल रहे आईसीसी हेड बनने के, लगता है कि जैसा इस बार हेड बनेंगे तो बहुत कुछ अच्छा ही करेंगे अपने देश के लिए। जहाँ तक पाकिस्तान मीडिया को यह याद है कि डर है कि ये जो आईसीसी टूर्नामेंट है 2025 का वन डे मैच वाला, उसको शायद इसको हाइब्रिड मॉडल पे ला देंगे, और पाकिस्तान को इससे इतना नुकसान होगा कि पाकिस्तान कंगाल हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। जय शाह को ऐसा समझ रहे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि आईसीसी के चेयरमैन सबसे आगे चल रहे हैं, पहले से इनकी हवा टाइट हो चुकी है पाकिस्तान मीडिया की, और कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा को आईसीसी का हेड नहीं बनना चाहिए, लेकिन जो वक्त को जिस हिसाब से इन्होंने बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट लीग को संभाला है, उस हिसाब से देखा जाए तो आईसीसी इनको ही पहले चेयरमैन बनाएगी, क्योंकि इनकी सफलता में जो सफलता दिलाई है बीसीसीआई और आईपीएल को इन्होंने, वो सफलता किसी भी
बोर्ड के हेड ने नहीं दिलाई अभी तक, उस हिसाब से इनको ही आईसीसी का हेड बनना चाहिए, आईसीसी का। और दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे आगे ही चल रहे अभी तक वोटिंग टर्म, और ऐसा डर इनको सता रहा है कि पाकिस्तान मीडिया को अगर जैसा बन गए तो जो आईसीसी टूर्नामेंट है पाकिस्तान से नहीं खेला जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे होगा। और हमको, हम भी यही चाहते हैं कि जो हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं खेला जाए, क्योंकि एक ख़राब देश हो चुका है, वहाँ दहशत गर्दी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल में आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।